भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब सीबीआई को रेल घोटाले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। राजनीति में सक्रिय लालू कुटुंब के सभी सदस्य, उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, छोटे पुत्र और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कानूनी चक्रव्यूह में फंसे हैं। इस चक्रव्यूह से कौन बाहर आएगा ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन फिलहाल उनके ऊपर संकट गहराता नजर आ रहा है। दरअसल लैंड फॉर होटल केस में सीबीआई की ओर से फाइल की गई एफआईआर में लालू और तेजस्वी का नाम होने से गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अब सीबीआई लालू प्रसाद यादव, उनके पुत्र तेजस्वी यादव और पत्नी राबड़ी देवी समेत सभी आरोपियों को एक सप्ताह में समन भेजकर दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय तलब करने वाली है और उनसे पूछताछ की जाएगी। इस बीच मीसा भारती के दिल्ली स्थित फार्म हाउस पर भी छापेमारी की गई, जिसमें मीसा के पति से सीबीआई ने लंबी पूछताछ की। उधर बिहार में गरमाई राजनीति के बीच बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। 10 जुलाई यानी कि सोमवार को आरजेडी ने विधायक दलों की बैठक बुलाई है, जिसमें आरजेडी का अगला कदम क्या होगा इस पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों की माने तो सीबीआई और ईडी से लालू परिवार कैसे निपटेंगे उस पर भी बात होने की संभावना है। हालांकि बैठक में सीएम नीतीश शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही महागठबंधन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। नीतीश कुमार ने सोमवार को अपने घर पर जनता दरबार का आयोजन किया है, वहीं 11 जुलाई को सीएम नीतीश ने जेडीयू की बैठक बुलाई है। लालू परिवार पर छापेमारी के बाद सियासत, बिहार की सियासत गर्मा गई है और पटना से लेकर दिल्ली तक 12 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी के बाद आरजेडी की बैठक बुलाई गई है। लालू प्रसाद यादव ने यह बैठक बुलाई है। अब यह देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकल के आता है और क्या फैसला लिया जाता है पार्टी के द्वारा। देखते रहिए डीबी लाइव।